पूर्वी चंपारण हैंडबॉल संघ ने शनिवार से शिविर प्रारंभ कर दिया है। शहर के अग्रवा स्थित ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल परिसर में शुरू शिविर में पहले फेज में बालक अंडर 14 वर्ग के खिलाड़ियों को गुर सिखाया जा रहा है। इसमें 20 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके बाद बालक अंडर 17 सहित अन्य वर्गों के खिलाड़ियों को भी शिविर में शामिल किया जाएगा। बिहार हैंडबॉल संघ पटना से पहुंचे प्रशिक्षक मुन्ना कुमार ने खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया। पहले दिन उन्होंने बच्चों को प्राथमिक अभ्यास कराने के बाद गेंद को ड्रिबलिंग करना, कैच पासिंग सहित खेल की विभिन्न बारीकियों की जानकारी दी। खिलाड़ियों ने भी मैदान पर अपनी जोरदार प्रतिभा साबित किया। प्रशिक्षक ने बताया कि शिविर में शिरकत कर रहे बच्चे प्रतिभावान हैं और उन्हें सीखने की ललक भी है। कोशिश पूरी है कि पूर्वी चंपारण के खिलाड़ियों राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। शिविर में पहुंचे संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार ने खिलाड़ियों को जमकर हौसला अफजाई की। इस कड़ी में उन्होंने प्रशिक्षकों को बुके देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी तैयार करने की दिशा में संघ मिशन की तरह कार्य कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब पूर्वी चंपारण खिलाड़ी राष्ट्रीय पलक पर अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ेंगे। संघ के संयोजक विकास ने बताया कि शिविर एक सप्ताह का है। शिविर में बालक अंडर 14 वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि हैंडबॉल ओलंपिक में शामिल है। बच्चों में भी खेल के प्रति दिलचस्पी देखने को मिल रही है। मंकेश्वर पांडे व श्री बाबू प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को दबने नहीं दिया जाएगा। मौके पर संघ के मैनेजर परमेश्वर कुमार, हॉकी संघ के सचिव नीरज कश्यप, तलवारबाजी संघ के संयुक्त सचिव अपू कुमार आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।